पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स किए थे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जिसमें हमने बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और इस तरीके के हमने सारी टेक्निक्स की थी, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। तो वो ना थोड़े से सिंपलर मेथड थे। अभी क्या होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इतना ही नहीं होता, प्लांट्स में ना एक बड़ी कमाल की चीज होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बच्चों देखो, प्लांट्स कितने अच्छे हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते, अपना खाना खुद बनाते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, बेचारे खुद भी रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं जिससे वो खुद को ही कितनी हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस होते हुए भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? इट इज नथिंग बट एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स दिखाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक हम करेंगे नेचुरल मेथड्स जो हम आज कवर करेंगे, कोशिश करेंगे हम आर्टिफिशियल स्टार्ट करने की, बट डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हमारा वो भी कवर हो जाएगा। तो नेचुरल मेथड्स यानी कि प्लांट्स में नेचुरली ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं जिससे वो प्रोपोगेट करें। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या? मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में दिया था कि भाई प्लांट्स ना, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, उनके पास रूट्स होती हैं, उनके पास स्टेम्स होती हैं, प्लांट के बाद तो भाई लीफ भी होती है, प्लांट के पास लेट्स से बड्स होती हैं, फ्लोरल बड्स होती हैं, और उनके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी आपको प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि भाई रूट सिस्टम अलग अलग मॉडिफाई हो जाता है, ट्यूबर्स में मॉडिफाई हो जाता है, पढ़ा था आपने। स्टेम्स में भी हम मॉडिफिकेशन देखते हैं, भाई उसके अंदर भी ट्यूबर्स जैसी चीजें होती हैं, बल्ब जैसी चीजें होती हैं, है ना। प्लांट्स के ना हर पार्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं जो उसको हेल्प करता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ना खाना स्टोर करना होता है, कुछ पेरिनियल प्लांट्स ऐसे हैं जो भाई पता नहीं कब उनको खाना मिलने वाला है तो वो पहले ही स्टोर करके रख देते हैं अपने पास, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। प्लांट्स का हर पार्ट अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। ये सभी के सभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखाता है? कुछ ऐसे पार्ट्स बन रहे हैं जिसको अगर जमीन में गाड़ो और न्यू प्लांट मिल जाता है, मतलब आप सोच सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही तो प्लांट्स को गैमीट्स बनाने की जरूरत है, ना ही तो प्लांट्स को उनकी फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत है, ना ही उसकी पॉलिनेशन करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिंपल जमीन में गाड़ो और न्यू प्लांट। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिससे आपको न्यू प्लांट मिल रहा है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो भाई मैंने यहाँ पे फ्लावर्स क्यों लिखा है? फ्लावर्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? नो, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि फ्लावर तो भाई साइट होती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फीमेल एंड मेल पार्ट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट्स में पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स। अब इस पूरे पार्ट को पढ़ने का एक ही बढ़िया तरीका है, एक एक करके हम पार्ट्स में जाएंगे। पहले हम स्टेम पढ़ लेंगे, रूट्स पढ़ लेंगे, लीफ पढ़ लेंगे, बड्स पढ़ लेंगे, फ्लावर्स में तो होता नहीं है, और हम ये देखेंगे ना हर किसी में प्लांट कुछ ऐसी चीजें बना रहा है कि अल्टीमेटली एक न्यू प्लांट देखने को आपको मिलेगा, और वो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाते हैं। तो
हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से बढ़िया पार्ट्स में करेंगे ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेम से। चलो चलो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। ओके तो देखो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के पास ऐसे प्रोपोग्यूल्स होते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेम्स के साथ। ऑलराइट, अब देखो स्टेम्स में क्या होता है, स्टेम्स बहुत तरीके से मॉडिफाइड होती है, जिसमें सबसे पहला हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं पोटैटो का। अभी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी हैं और आप इसको रिलेट भी कर सकते हो। अब देखो प्लांट के अंदर स्टेम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो रही है, जिसमें से एक तरीका होता है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्यूबर स्टेम का भी हो सकता है और रूट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं स्टेम। याद रहो, जब तक मैं रूट स्टार्ट नहीं कर रही हूं ना, तब तक कोई स्वीट पोटैटो अवाल्च कुछ भी फालतू फालतू का डिस्कस नहीं करना, दिमाग में नहीं लाना, सिर्फ जो मैं बोल रही हूं सिर्फ उसको सुनो। हम स्टेम्स पढ़ रहे हैं, स्टेम्स में स्टेम की मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन हम क्या करने वाले हैं, ट्यूबर्स। ठीक है, तो ट्यूबर एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। आपने कभी घर में पोटैटो का प्लांट देखा है, प्लांट नहीं सॉरी आलू देखे होंगे, पोटैटो देखा होगा आपने ना, इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे होंगे। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोटैटो की आईज, है ना, देखे है ना वहां पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर ना नोड्स होते हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। तो वहां पे देखा है छोटा छोटा सा ग्रीन ग्रीन कलर का, ऊपर से ऐसे बड्स जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखने लगता है। आपको पता है उसको अगर सारी कंडीशंस प्रोवाइड करो ना, आपको वहां से न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। तो इस तरीके से पोटैटो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाता है। तो आईज क्या होती है ना, ये बड़ी ही फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव मतलब इस पे लाइट पड़ती है तो ये सेंसिटिव होती है, अपनी कुछ चीजें दिखाती है। क्या दिखाती है, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है इन आईज में से निकल जाते हैं बर्ड्स, और इन बर्ड्स को जब आप ग्रो कराओगे तो यहां से आप देखोगे कि आपको न्यू शूट निकलती दिखाई देगी, आपको न्यू प्लांट निकलता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अंडरग्राउंड स्टेम। याद रखना एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जो कि जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर से निकलता पोटैटो, एक अंदर अंडरग्राउंड स्टेम है, जाके फूल गई, मोटी हो गई, स्वेलन हो गई, सोलन हो गई, क्यों हो गई, उसको खाना स्टोर करना था, तो उसको हमने ट्यूबर बोल दिया, एग्जाम्पल पोटैटो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आपकी आईज होती है ना, अगर ये मेरे नोड्स हैं तो इनके दो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, दो नोड्स के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। तो ये हो जाएंगे आपके इंटर नोड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आपके इंटर नोड्स हो गए। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल पोटैटो स्टेम ट्यूबर है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाता है। आईज जो होती है वो कुछ नहीं है, वो नोड्स है, फोटो सेंसिटिव है, लाइट पड़ी, बड निकला, बड से हम न्यू प्लांट मिल जाएगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल ना हम बल्ब्स का लेते हैं, किसका लेंगे, बल्ब्स। अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज अनियन, प्याज। ठीक है, कभी घर पे आपने प्याज काटा है, आई होप सबने काटा होगा, सबने ही काटा होगा प्याज। जब आप काटते हो ना, कभी कभी देखा अंदर से ना ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती है, जैसे आप प्याज को ऐसे काटोगे ना, तो लेट सपोज ये आपके लीव्स हैं, प्लांट्स के लीव्स हैं, और ऐसे अंदर ना ग्रीन ग्रीन कलर के दिखेंगे आपको। ठीक है, जब उसको खोलोगे ग्रीन ग्रीन कलर का दिखेगा, वो क्या होते हैं, दोज ग्रीन ग्रीन आर नथिंग बट बड्स। अंदर से वो ग्रीन कलर की बर्ड्स निकल रही हैं, ग्रीन कलर की ही बना देते हैं, क्या निकलती हैं, बर्ड्स।
सेम बिल्कुल पोटैटो की तरह अंदर उसका एक बडी निकला, उसको ग्रो कराओगे तो देखो ये इसी तरीके से ग्रो होके आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कभी कभी यहां से एक साथ दो तीन बड्स भी निकल आते हैं, ठीक है। तो एक साथ आपको दो तीन बड्स दिख गए। अब जब ये बड्स आ गए तो क्या हो गया, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हो गई। जब वहां से शूट निकल रहा है अब वहां से वेजिटेटिव प्रोपगेशन निकलेगी, ठीक है। तो क्या हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा, बल्ब। बल्ब क्यों बोला, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। फिर से मैं बोल रही हूं, फिर से हम अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा रही हूं मैं आपको। एक अंडरग्राउंड स्टेम है, उसने एक गोल गोल स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, इसको बोल दिया बल्ब। एग्जाम्पल अनियन, एग्जाम्पल गार्लिक। गार्लिक में भी, लहसुन में भी यही होता है, इन दोनों में सल्फर होता है प्रेजेंट, है ना। तो अब अनियन की जो स्मेल होती है दैट इज अ सल्फरस स्मेल, सल्फर की वजह से वो आपको स्मेल होती है, बहुत इवेपोरेटिंग होता है वो, इसीलिए उसकी स्मेल आती है। अब जो आप अनियन खाते हो ना उसको बोलते हैं लीव्स। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होती है ना, इसको हम अनियंस की लीव्स बोलते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो, रिड्यूस स्टेम है ना, रिड्यूस्ड होती है इसकी स्टेम, अच्छे से बनी भी नहीं होती, इट इज अ रिड्यूस स्टेम। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, बल्ब्स। बल्ब के अंदर क्या हमने एग्जांपल देखा, अनियन। अनियन के अंदर ग्रीन कलर के बड्स निकल रहे हैं, बड्स जो कि पूरे न्यू प्लांट में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं निकल रहा एक जगह से, उससे ज्यादा भी निकल रहा है, ठीक है। तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम किया दोनों। एक चीज देख रहे हो आप, दोनों ही केसेस में ना आपको बर्ड्स मिल रही है, और यही पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का खेल है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, फिर इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, कुछ नहीं हो रहा, प्लांट लिया, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ले लिए, उन पार्ट्स में से कुछ ना किसी चीजों में बड निकल रही है और वो बड ही न्यू प्लांट में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो ये क्या आ गया, अदरक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही है, दिस इज जिंजर, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल ऐसा ही दिखने वाला, टर्मरिक। इन सब में वही होता है जो मैं अभी बताने वाली हूं, इसको हम बोलते हैं राइजोम्स। राइजोम्स क्या होता है, अब ये भी वही चीज है, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा रही है। अंडरग्राउंड, नीचे क्या हुआ भाई, एक ना अदरक जैसा चीज आ गया। अदरक क्यों बना, कैसे बना, ये इसके पास भी ऐसा ही करना होता है, इसको खाना बनाना है और इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करना है, तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाता है। राइजोम क्या है, इट इज जिंजर ओनली, कंफ्यूज नहीं होना, जिंजर क्या है, राइजोम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, नथिंग। बस इतना याद रखो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम, अभी हम स्टेम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहा है, जिसको मैंने राइजोम बोल दिया, एग्जांपल जिंजर, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब इसमें एक चीज है ना, कि मान लो ये इसका प्लांट है और यहां पे क्या है, सॉइल है, तो जिंजर ना हमेशा इस तरीके से कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। जिंजर हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसको उखाड़ोगे ना जमीन से तो ऐसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, हमेशा ऐसे फैला हुआ सा। और ये हमने क्या क्या किया था, ओके चलो चलो, हमने क्या क्या किया था, सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी, टेक्निकल इशू हो रहे हैं, मैं भी बहुत ज्यादा ऐसे मेरा पूरा फ्लो खराब हो जाता है, आप लोगों का भी खराब हो जाता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। चलो, क्या हमने किया, हमने स्टेम किया, हमने पोटैटो और गार्लिक अनियन को कर लिया, ठीक है, ओके।
जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, मैं यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे नोडल रीजन में ना यहाँ पे बड्स आती हैं, और अगर आप इन बड्स के रीजन को देखोगे ना तो इन्हीं बड्स से आपको शूट्स दिलेगी, या फिर यहाँ से आपको रूट्स निकल सकती है, यानी कि वहां से शूट रीजन भी आ रहा है, रूट रीजन भी आ रहा है। जो कोई रूट और शूट अपनी नॉर्मल जगह से नहीं आता उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस शूट या फिर एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि वो शूट प्लिम्यूल से नहीं आ रहा और वो रूट अपने रेडिकल से नहीं आ रही, ठीक है। तो जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम में होते हैं नोड्स, नोड्स वाले रीजन से आ रही हैं बर्ड्स। अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट, आपका टर्मरिक, ठीक है। ऑल राइट, टर्मरिक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे, हाँ एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग, मैं रिपीट क्यों कर रही हूं, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू आ गया था, तो जिसको समझ नहीं आया मैं लिख के समझा रही हूं। तो ये हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली ब्रांच्ड हो रहा था। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल किसका देखा, हाँ नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल पढ़ा कॉम्स का। कॉम्स क्या होते हैं, हमने एग्जाम्पल देखा कोलोकेशिया। कोलोकेशिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरबी। घर में सबकी अरबी आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती खाने में। लॉन्गिट्यूडनल, ये ना इस तरीके से होता है, और इसमें आपको नोड्स देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको सर्कुलर नोड्स देखने को मिलते हैं, आपने कॉम्स बोल दिया। एंड इन्हीं जगह से, नोडल रीजन से आपको लीव्स आ जाती हैं, वहां से शूट्स आ जाती हैं, तो उसको हम एडवेंटिशियस शूट्स बोल देंगे, या फिर कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोली, कोई भी चीज जिस भी रीजन में जो भी प्लांट, जो भी शूट वगैरह वगैरह कुछ भी अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाता है वहां के, या तो नोड रीजन से, या डिपेंडिंग कि वो लीफ का है किसका है, वहां से बड बना देगा, और जैसे ही बड्स बना देगा वहां से न्यू प्लांट आ सकता है ना। बहुत बढ़िया, वहां से न्यू प्लांट आ गया। तो हमने देख लिया सिर्फ इसका एग्जाम्पल क्या था, कि ये ब्रांच नहीं है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। चलो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एडवेंटिशियस और ऑक्सिलरी बड्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो मैं अभी बताऊंगी। जैसे आपके पास ये कोई प्लांट है, आपके पास लेट्स सपोज ये कोई प्लांट है, तो जो बर्ड्स आपकी टिप में आती हैं उसको तो आपने बोल दिया एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड बोल दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे लीफ है, लीफ है, अब जो बर्ड्स यहाँ पे आ रही हैं एक्सिल में आ रही हैं उसको आप बोल देते हो ऑक्सिलरी बर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, लेटरल बर्ड, ठीक है। जो बर्ड्स और जगह से आ रही थी, जो हमने अभी देखा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल का काम कर रही थी, उन बर्ड्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। कोई मुश्किल तो बात नहीं है, कभी कभी ना ये ऑक्सिलरी बर्ड भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल जैसा काम करती है, ठीक है, लेकिन इसको एडवेंटिशियस बर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला एग्जाम्पल जैसे मैं बढ़ा रही हूं इसको ऐसे ही पढ़ना है, इन्हीं दोनों दोनों एग्जाम्पल्स को साथ साथ करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे रनर। ओके, बचपन में कितने बच्चों ने घास निकाली है ग्राउंड में बैठ के, मैंने तो बड़ी निकाली है हमारी, यू नो क्लास में जब भी कोई हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा होता है या हम नीचे बैठे होते थे, हम बच्चे जब छोटे होते थे हम घास निकालते थे, घास खींचते थे, और कभी देखा जब हम घास को खींचते हैं ना, खींचते खींचते ना आसपास की बहुत सारी घास निकलती, ऐसे लंबे लंबे ना हमको थ्रेड्स मिलने लग जाते हैं, वो क्या होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रनर, लॉन ग्रास। या कभी देखा है किसी लॉन में जब घास लगती है ना तो ऐसे लगती है, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, कुछ टाइम बाद देखोगे ना पूरा का पूरा लॉन ना ग्रास से भर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम्पल है आपका रनर का।
प्लांट में अभी भी हम स्टेम पढ़ रहे हैं, माइंड माय वर्ड्स, अभी भी हम स्टेम ही कर रहे हैं। तो प्लांट में ना कभी कभी ये जो नीचे की स्टेम है ना, ये इस तरीके से ना आसपास फैल जाती है। तो ये जहां पे भी फैल रही है ना, वहीं यहाँ पे गड़ गई और यहां से हमारी रूट्स आ गई और यहां से हमारी शूट्स आ गई। तो इस तरीके से वहां से भी न्यू प्लांट हमें देखने को मिल गया। और ये बोलते हैं हम रनर, ये भाग रहा है अपने पेरेंट प्लांट से, दूर जा रहा है और जहां जहां जा रहा है वहां वहां से ग्रो करे जा रहा है। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगेन स्टेम के अंदर रनर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया लॉन ग्रास। अब दूसरी चीज आ जाओ, कभी कभी ना यही चीज एक्वेटिक प्लांट्स में भी होती है। एक्वेटिक प्लांट एग्जाम्पल वॉटर हायासिंथ, जो हमारा एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम है। एग्जाम्पल पिस्टिया, एग्जाम्पल पिस्टिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, वन एग्जाम्पल इज वॉटर हायासिंथ एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पिस्टिया। ठीक है, चलो अब जब यही रनर वाली चीज आपकी एक्वेटिक प्लांट्स में होती है उसको ऑफसेट बोलते हैं। अब देखो यहां पे भी यही हो रहा है, ये एक मेरा नंबर वन नंबर टू प्लांट है मान लो, इसकी कोई एक अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे गई और वहां से उग गई, जर्मिनेट हो गई, यहां से रूट्स आ रही हैं, यहां से प्लांट आ रहा है। आई थिंक ये वाला आपका ये इसमें से आ रही है, क्योंकि बड़ा प्लांट है ना, फिर आपका दूसरा छोटा प्लांट हो रहा है। तो वहां पे एक्वेटिक प्लांट को रनर की जगह वहां पे बोल दिया ऑफसेट्स। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ठीक है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेम पढ़ रहे हैं। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया। चलो अब एक और बढ़िया से एग्जाम्पल में आ जाओ, मैं क्या बताने वाली हूं। This is an example of sucker. Suckers क्या चीज है, अब ये क्या कर रहा है ये suckers? ये देखो क्या हो रहा है इस plant में ना, अभी मैं underground की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं, underground प्लांट में जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है ना, वो कभी कभी ना दूर भागने लग जाती है कि भाई मेरे को नहीं रहना अब इस घर में, मैं कहीं जाके दूर रहूंगा। ठीक है, इसने क्या किया, ये यहां से जा गई इधर जाके, चल मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे अपनी रूट्स बना ली, अपना इसने अपने आप को यहाँ पे तरक्की कर ली, यहीं पे अपना न्यू प्लांट को ग्रो करा दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ओके यहां पे क्या हो रहा है, एक था आपका पेरेंट प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम कुछ आगे दूर गई और जैसे ही वो वहां पे गई उसने यहाँ पे न्यू प्लांट बना लिए, उसको बोल दिया हमने लेट्स से डॉटर प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट को कभी कभी ना मदर प्लांट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये बच्चे अपनी मदर प्लांट से दूर जाके रहते हैं, लेकिन मदर पे फिर भी हम डिपेंडेंट होते हैं, हम कितने ही दूर चले जाए हम डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से ये भी डिपेंडेंट है, कैसे, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन ना, सारा न्यूट्रिशन ओहो चलो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन ना इस पेरेंट प्लांट से यहां से ले रहा है। ठीक है, यहां से ले रहा है और इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने सकर बोल दिया। क्या बोल दिया, सकर। ठीक है, तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन सकर से ले रहा है और ये हो गया आपका एक और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक ही पेरेंट प्लांट था, उसकी एक स्टेम थी, आगे जाके ग्रो होके वहां पे न्यू प्लांट्स बन गई। ठीक है, अब कभी कभी ना यही चीज एरियल प्लांट्स के साथ भी होती है। किसके साथ होती है, एरियल प्लांट्स के साथ। अब ये एरियल प्लांट्स के साथ कैसे हो रही है, देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूं आपको स्ट्रॉबेरी का, और ये आप कभी नहीं भूलोगे। स्ट्रॉबेरी सबने खाई है ना, ठीक है सबने खाई है, सबने देखा है स्ट्रॉबेरी में ना, ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि एक अच्छा सा पेड़ लगा हुआ है, वहां पे एकदम लाल लाल सुंदर सुंदर सी स्ट्रॉबेरी लटकी हुई है। अब क्या हुआ, स्टेम बेचारी हैवी हो गई, वो नीचे गिर गई है ना, स्टेम नीचे गिर गई। अब उसकी कंडीशन क्या हुई, जब वो नीचे गिर गई ना, उससे उठा ही नहीं गया, वो वहीं पड़ी रह गई और वहीं पे ग्रो हो गई। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोलन। तो स्टोलन में क्या हुआ, एक आपकी शूट हैवी हो गई, वो नीचे गिर गई, ये क्या थी, एरियल शूट थी। वो जब नीचे गिर गई और वहीं से आ गया आपका न्यू प्लांट और ये हो गई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। न्यू प्लांट बन गया स्टेम से, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुई। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोलन। ठीक है, तो ये है आपका स्टोलन। ठीक है, चलो
अब अगले में आ जाओ। अब हमने सारे के सारे लीफ कंप्लीट कर लिए, इसको इसी ऑर्डर में करना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो नाउ वील स्टार्ट विद द लीफ। अब देखो लीफ में क्या होता है, ये आपकी बुक में दिया है एग्जाम्पल, दिस इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम ना मॉर्निंग में उगता है। अब देखो इसकी एक बड़ी खासियत है, ये ना स्टेम के भरोसे है ना रूट्स के भरोसे है, ये लीफ ही बहुत कुछ कर लेता है। लीफ में देख रहे हो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये न्यू लीफ दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या दिख रही है मुझे, रूट्स भी दिख रही हैं। तो ये तो हो गई मेरी एडवेंटिशियस शूट्स, एडवेंटिशियस बड्स, बड्स है ना उसके बाद से वहां से शूट निकलेगी, तो बड्स ध्यान में रखो, एडवेंटिशियस बड्स। और ये क्या हो गई मेरी एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसके लीफ के मार्जिन में सिर्फ कॉर्नर्स में ना बड्स आती हैं, और वही बड्स ना न्यू प्लांट ग्रो करा देती है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइलम कर लिया। अब लीफ भी स्टेम से कम नहीं है, ये भी बड़े अलग अलग तरीके के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाती है, और वो क्या तरीका है दूसरा देख लो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज अ प्लांट बेगोनिया। जैसे ब्रायोफिलम में सिर्फ मार्जिन्स में आ रही थी ना, बेगोनिया का ना पूरा लीफ के काफी सारे पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाते हैं। कैसे, इस लीफ के कुछ भी पार्ट्स को आप जमीन में डाल दो और वहां से न्यू प्लांट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपके ना घर में भी होगा, आई होप जिसको गार्डनिंग पसंद है उनके घर में एक सकुलेंट प्लांट होता है, इस तरीके का उसका लीफ होता है, इस तरीके से कुछ उसका लीफ होगा। मैं उसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा, इसका नाम होता है कलोंचे। आई होप मेरी स्पेलिंग ठीक है, नहीं हो तो सॉरी। ठीक है, कलोंची। इस प्लांट की ना इस पूरे लीफ को जमीन में गाड़ दो, मतलब आपको नया प्लांट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पूरी लीफ को जमीन में गाड़ दो और वहां से न्यू प्लांट आ जाएगा, है ना। तो ये थी हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर, लीव्स के अंदर। ठीक है, अब आपको ये भी दे रखा होगा, ये भी दिया ना आपको, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये डायग्राम भी आपको बुक में दिया है, तो हम ये भी कंप्लीट करेंगे। हमने स्टेम देख लिया, हमने लीव्स देख लिया, अब हम क्या देखने वाले हैं, बल्बल्स। ये बल्बल्स क्या हैं, बड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको बताई थी चीज, ये मेरी है लीव, ठीक है, ओके। कुछ बर्ड्स जो यहां पे आती हैं, इसको तो बोल दिया मैंने एपिकल बर्ड्स। ठीक है, कुछ बर्ड्स ना इस तरीके से यहां पे आती हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो एक्सिल है इसको ना लीफ का एक्सिल बोलते हैं, लीफ के एक्सिल में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हमने ना बल्बिल्स बोल दिया। और वो बल्बिल्स क्या होते हैं ना, देखो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसको आप उगाओगे ना सॉइल में, उगाओगे ना तो आपको न्यू प्लांट देखने को मिलेगा, न्यू प्लांट देखने को मिलेगा, तो क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल मैंने यही लिखा है, मैंने यहां से एक उठाया बल्बिल, और देखो इसी एक्सिलरी पोर्शन से मैंने इसे यहां से उठा के इस प्लांट में गाड़ दूंगी ना, तो मुझको न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल बल्बिल्स का, और ये कौन सा प्लांट है, अगेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अगेव। एक और एग्जाम्पल देती हूँ ऐसा बर्ड्स जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल सबने खाया, माय फेवरेट फ्रूट इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ऐसा दिखता है पाइनएप्पल, आपको ऐसा ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये फ्लोरल बर्ड्स हैं, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लोरल बर्ड्स बोलती है। इसको ना यहाँ से काट दो, जब आप इसको काटोगे ना, और आप इसको इसको जब प्रोपोगेट कराओगे, या इसको जब इसकी कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, आपको न्यू प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, एक और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, बल्बिल्स। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, हमारे पास कौन कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रह गया है, वी आर लेफ्ट विद रूट्स। चलो अब रूट्स भी कर लेते हैं, रूट्स तो बड़ा ही सिंपल है, रूट्स में कुछ ज्यादा है ही नहीं, क्या क्या करेगी बेचारा, पूरा पानी तो वही दे रही है प्लांट को। अब
क्या होता है, हमारे पास दो रूट्स होती हैं। एक रूट जैसे मेरे पास, लेट्स सपोज ये वाला मेरे पास प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में से एक रूट आई, तो जब भी ना सीधी 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 रूट जा रही है, सिर्फ एक आध ब्रांच है उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टैप रूट। और इसी रूट में से जो बहुत सारी वैसे ऐसे यू नो ब्रांचेस आती ही रहेंगी, एक गुच्छा सा बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। कहीं कहीं पे इसको ट्यूबरस रूट्स भी बोला जाता है। सो ये गुच्छों में आती है, ठीक है। और इन्हीं रूट्स में भी क्या बनती है, हर जगह क्या बन रही है, चाहे हर जगह लीफ ले लो, स्टेम ले लो, हर जगह क्या बन रहा है, बड। तो यहां पे भी बड्स बनेंगी। अब यहां पे भी रूट्स में, इनकी टैप रूट में भी होता है, फाइब्रस वाले रूट में भी प्लांट्स में ऐसा होता है कि रूट्स में से कुछ बड्स निकलती हैं, जिसको आप ग्रो कराओगे आपको न्यू प्लांट मिल जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, टैप रूट का आपका एग्जाम्पल मैंने यहां पे लगाया नहीं है, एग्जाम्पल गुआवा, एग्जाम्पल पॉपुलर, ठीक है। अब फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, मैंने ये इसलिए लगाया है ताकि आप कंफ्यूजन आपको नहीं हो आलू में और शकरकंदी में, ठीक है। दिस इज व्हाट शकरकंदी, शकरकंदी सब सर्दियों में खाते हैं, तो ये स्वीट पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो आपका ट्यूबर होता है, पोटैटो भी ट्यूबर था, लेकिन हमने तो स्टेम कवर कर लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट पढ़ रहे हैं। सो इट इज अ रूट ट्यूबर, यस। रूट्स में ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर जो स्टोरेज करता है, उसको क्या बोलते हैं, रूट ट्यूबर बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, ट्यूबरस रूट्स कैसे याद रहेगा, फाइबरस रूट्स को ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं। एंड तो हमारे ये फाइबरस जो रूट्स हैं, ट्यूबरस रूट्स हैं, इसमें भी हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रूट्स में भी कर लिया, टैप रूट में एग्जाम्पल गुआवा एंड पॉपुलर, एंड फाइब्रस रूट्स में हमने एग्जाम्पल किया स्वीट पोटैटो, ओके। यहाँ पे बच्चों ने कुछ पूछा था कि स्टोलोन एंड रनर इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है। देखो ओके कोई नहीं, क्या होता है आपका जो, एक मिनट रुको, लेट मी गो टू दैट स्लाइड। देखो स्टोलोन और रनर को हम साथ साथ लर्न कर रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड क्यों है, एक तो दोनों ही स्टेम हैं, दोनों ही, एक मिनट, या आपको ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, इरिटेट कर रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलो। आपको ना स्टेम हम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रही थी मैं आपको, स्टेम में पढ़ा रही थी, तो दोनों ही स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा रहा है, दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दैट इज द इंटर रिलेशन, ठीक है। ये इंटरकनेक्शन है कि दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखा रहा है। अब दोनों को हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, देखो सकर के केस में क्या होता है। अच्छा आपने स्टोलोन एंड रनर पूछा है, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। सकर के केस में तो आप समझ गए ना, ऐसे लंबा सा नीचे से जा रहा है अंडरग्राउंड एंड प्लांट आ रहा है, ठीक है, स्टकर हो गया। स्टोलोन, स्टोलोन के केस में क्या था, एक एरियल स्टेम थी, एक एरियल स्टेम थी जो कि हैवी होके नीचे गिर गई, एक एरियल स्टेम मतलब ऊपर आपको दिख रही है वो नीचे गिर गई और वहां से प्रोपोगेट हो गई। अच्छा अब आपने क्या पूछा है, रनर पूछा है, रनर, रनर कहां है हमारा, यस दिस इज योर रनर, ठीक है। रनर में क्या हो रहा है आपका, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, घास को इमेजिन करो, घास को तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ी, अंदर से पतला सा धागा निकलता है ना, धागा मतलब लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, वो अंडरग्राउंड है, वो अंडरग्राउंड है, ऊपर नहीं होता, तो वो क्या हो रहा है, एक अंडरग्राउंड स्टेम दूर जाके आसपास में हर जगह से फैल रही है, सो दैट इज रनर, ठीक है। और ये भी आपस में इंटर रिलेटेड कैसे है, क्योंकि दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशंस है। तो ये थी हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हमने लीफ पढ़ लिया, बल्बिल्स कर लिया, रूट्स कर लिया, नाउ वी आर लेफ्ट विथ, और कोई डाउट नहीं है, ऑल राइट चलो अब हमारा रह गया है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने क्या पढ़ लिया,
आज तो हद ही कर दी है सिस्टम ने। चलो तो हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कवर कर लिया, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं आपको आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ाऊंगी। बेटा देखो, बहुत सारे लोग ना, आप भी ना, आप नेचुरल ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत जल्दी पढ़ के खत्म कर देते हो। मैंने एक क्लास ली है क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉसिबल जो भी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, मैंने उसमें वो सारे इंक्लूड कर दिए। नहीं तो क्या होता है ना, कहीं पे आपको कोई एग्जांपल दिखेगा, कहीं पे आपको कोई एग्जांपल दिखेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया स्टेम्स में, रूट्स में, यू नो लीव्स में, अंडर अंडर मैंने उसके आपको अच्छे से बता दिया कि आपके कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम फिर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन आ जाएंगे, जिसमें हम बचपन वाला मेथड पढ़ेंगे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, वो सब आपका आर्टिफिशियल में आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से रिलेटेड मैं आपको ना एक होमवर्क दे रही हूं, आपको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन पढ़ के आना है थोड़ा सा, और आपको थोड़ा सा ना सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ, यस, मुझे बताना कि सेकेंडरी ग्रोथ और ग्राफ्टिंग कैसे रिलेटेड है, और ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करूंगी, ठीक है। तो ये था आपका, और जो भी आपका पिछला जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। तो यही था आज की क्लास में। नाउ एक खुशखबरी मैं आपको देना चाह रही हूं, जो आपके भाई बहन अगर 9th एंड 11th क्लास में है, अब हम मंडे से 9th एंड 11th क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 10th एंड 12th में सिलेबस जल्दी खत्म करना होता है, लेकिन 9th 11th वाले क्यों वेट करेंगे, तो हम उनकी क्लासेस भी लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू, एंड अगली क्लास में जरूर आना, एंड ऑल द बेस्ट।